alaikum, it's Mehak and you are watching my YouTube channel Mehak World. Okay, so guys, आज मैं start कर रही हूँ अपनी vlogging, ठीक है. This is my first day. आज मेरा first day vlogging के लिए. तो vloggers की life मैंने सुना है काफ़ी difficult होती है, तो मैं बहुत time लग गया मुझे सोचने में मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, कौन सा content दूँ क्या करूँ क्या नहीं. But एक दिन होता है कुछ ना कुछ start करना पड़ता है, तो मैंने सोचा हिम्मत पकड़ यार, स्टार्ट कर, फिर अल्लाह ताला साथ देने वाला है. ओके, तो आज मैं आपको एक यम मतलब अच्छा सा डे दूंगी, सारा कुछ रिव्यू दूंगी, मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ और मेरी लाइफ में कौन कौन है, मेरे साथ कौन कौन रहता है, मैं किसके साथ रहती हूँ, क्या करती हूँ क्या नहीं, सब कुछ बताऊँगी. बट आज स्टार्टिंग करते हैं घर की सफाई से. ओके, हाउस क्लीनिंग से स्टार्ट करेंगे. हाउस क्लीनिंग करने के बाद मैं बनाऊँगी एक यम्मी सी डिश जो कि है मैक्रोनी. ओके, चिकन मैक्रोनी मैं बनाऊँगी डिलीशियस सी, जो कि रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड यू गाइस लव इट. ओके, बिकॉज इसके अंदर बहुत कम मिनिमम इंग्रेडिएंट्स में मैं बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताऊँगी बनाना, ठीक है. और काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है, मैंने किसी से देख के नहीं सीखी, मेरी मम्मा बनाती थी, नाउ शी इज़ नो मोर, सो उनकी रेसिपी मैंने अभी जो है ना अब बनाऊंगी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट. ओके, कम विद मी. ओह, कर्टन बीच में आ गया. ओके, ये है मेरा रूम. ओके, मैं आपको दिखाती हूँ, वो जो है वो वॉशरूम है, ये वाला ये वॉशरूम है, सही है. ये मेरी कबर्ड्स हैं, ऊपर थोड़ा सामान रखा है, मैसी हो रहा है थोड़ा सा, बट प्लीज़ बुरा नहीं मानना. ओके, वो कर्टन्स है, उधर विंडो है, हमारा एसी लगा हुआ है, बट अभी सर्दियाँ इतनी हैं एसी की ज़रूरत नहीं है, बहुत सर्दी है. ओके, देन ये है मेरा बेड जो कि फुल मैसी हुआ है इस टाइम, वो सो रहा है छोटा सा बेबी. ओके, और एक वो सो रहा है साइड में, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि ये मेरे कौन है, क्या लगते हैं क्या नहीं लगते, सही है, सब बताऊंगी. बट अभी करते हैं रूम की सफाई, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सोचूं कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती. ओके, नाउ स्टार्टेड. सबसे पहले हम ये ग्लव्स वगैरह इनकी ड्रॉर में डाल देंगे. ओके, चीज़ें जगह पे रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम मैसिव कर देते हैं बट साफ करने में बहुत मसला होता है. This is my cold drink. I love it. I loved you. And मैं रोज एक लीटर पीती हूँ, seriously. Fanta and Dew. मेरे लिए ये बहुत most important है, मैं इसकी addict हूँ. तो ये मेरी लाइफ में सबसे पहले मैं इसका इंट्रो दे रही हूँ बिकॉज ये मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है. ये मैं पीती हूँ रोज़ एक लीटर लाजमी. ओके, कभी कभी दो भी हो जाती है. सर्दी खत्म होगी इसलिए हम ये उतार देते हैं. एंड हाँ, अब हो गया घर हमारा थोड़ा साफ हुआ, सही है. जो मैसेज हो रहा था वो मैंने साफ कर दिया, ठीक है. बाकी सब अभी क्लियर हो गया, क्लीन हो गया. ओके, थोड़ा सा ये रहता है, ये मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगी. ओके, सो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. ओके, तब तक मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, देन उसके बाद कुकिंग. गाइस, यहाँ हमारी स्टार्ट हो चुकी है कुकिंग, हम मैक्रोनीज बनाना स्टार्ट कर चुके हैं. ओके, तो आपने कहाँ से वीडियो छोड़ी थी, मैं क्लीनिंग कर रही थी. क्लीनिंग करने के बाद मैंने वेजिटेबल कट्स की और उसके बाद मैंने चिकन बॉईल पे रख दिया है एंड देर इज़
वेजिटेबल्स, ये है गोभी, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, ये 3 कैरेट्स है, इसको मैंने अभी कट करके रख लिया, अभी मैं इसको फाइनली चॉप करूँगी, ओके। और ये 3 कैप्सिकम थे, सही है, इन कैप्सिकम्स को मैंने कट करके रख लिया, अभी इसको मैं चॉप करूँगी, ओके। एंड ये 1 बॉल मेरे पास है पीस बटर, ओके। सो और मैंने, हाँ, 300 का मैंने चिकन मंगवाया था, जो कि आ जाता है 1/2 kg के अराउंड आ जाता है, ठीक है, 300 का। अगर आप लोग बोनलेस लेंगे ना तो वो आपको महंगा पड़ेगा, और वैसे भी मैं चिकन का कीमा या फिर चिकन, कुछ लोग होते हैं चिकन का कीमा डाल देते हैं सॉरी ओके तो कहाँ थी मैं, हाँ, कुछ लोग होते हैं चिकन का कीमा डाल देते हैं। चिकन का कीमा डालने से क्या होता है, उसके साथ कुछ मतलब और चीज़ें आ जाती हैं, लाइक कुछ वेन्स वगैरह, कुछ हड्डियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो बोन्स के बगैर इससे बेस्ट ये होता है, बोनलेस चिकन लेने से अच्छा है या चिकन का कीमा बनाने से अच्छा है कि आप चिकन के पीसेज लें, ब्रेस्ट पीसेस के पीसेस लें, चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस लेके आप उसको बॉईल करें अच्छी तरीके से एंड उसका रेशा बना लें। रेशा बनाने से क्या होता है, वो हर बाइट में आता है किसी में चिकन, वैसे अगर आप कीमा डालेंगे या फिर उसके ब्रेस्ट पीसेस लेके आप उसको चॉप कर लेंगे और वो डालेंगे, तो उससे आपका नुकसान क्या होगा कि एक तो हर बाइट में नहीं आएगा, फाइनली नहीं आएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल ना जैसे बिल्कुल एक भी चीज़ उसके अंदर ऐसी पसंद नहीं है चिकन के बगैर, मैं बिल्कुल सादी बोटी खाना पसंद करती हूँ, तो सादा मैंने चिकन उसका रेशा बनाना है, हर एक चीज़ वेन वगैरह हटा के साफ़ सुथरा करके, देन फिर मैं अभी आगे की वीडियो शूट करती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ ये, इसको चॉप कर लेती हूँ जब तक मेरा बॉयल हो रहा है चिकन, एंड देन चिकन जैसी बॉयल हो जाएगा मैं उसके रेशे करके फिर मैं, ओके गाइस आई एम बैक नाउ, ओके। तो मैंने मैक्रोनीज़ बॉयल होने रख दी है, ठीक है, चिकन भी मैंने रेशा करके रख ली है, ये रही चिकन, ये मैंने ऐसे अपने हाथों से खुद रेशा करके इसको रख लिया, सही है, मैंने कैरेट्स को कट कर लिया, चॉप कर लिया, एंड मैंने कैप्सिकम भी चॉप कर लिया, ओके। एंड ये रहे शबरीला केचप एंड चिली गार्लिक सॉस, तो ये मैं डालूँगी अपनी मैक्रोनीज़ में, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑथेंटिक टेस्ट देते हैं हर चाइनीज़ डिश को। मैं इनको स्पॉन्सर नहीं कर रही, ना मैं ये ब्रांड की कोई तारीफ़ कर रही हूँ, बस ये है कि मैं यूज़ ये करती हूँ, इस वजह से मुझे ये अच्छा लगता है। नेशनल वगैरह के केचप भी अच्छे हैं, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं, प्लीज़ माइंड नहीं करना कि कहीं मैं किसी और ब्रांड को डिग्रेड कर रही हूँ या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यूज़ ये करती हूँ इसलिए बता रही हूँ, ओके। तो यहाँ मेरी वेजिटेबल कट हो चुकी हैं एंड ये हो रहे हैं मैक्रोनीज बॉयल, हम इसको एक बार स्टेयर कर लें। स्टेयर करना ज़रूरी है, स्टेयर करना इसलिए ज़रूरी है मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये साथ में चिपक जाते हैं, जैसे अभी चिपके हुए थे, थोड़े से लग गए थे नीचे से, बट अभी ठीक है, ओके। और अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना बिकॉज कर देना सॉरी अच्छा, इसके अंदर ऑयल ऐड करने से ये होगा कि ये एक साथ चिपकेंगे नहीं। और हाँ, कुछ लोग गलती करते हैं इस चीज़ में कि मैक्रोनीज़ को या स्पैगेटीज़ को या पास्ता एनीथिंग, ठीक है, आप लोग निकाल के इसको ठंडे पानी से वॉश करें, गर्म पानी में नहीं रहने दें, गर्म पानी में रहने देंगे वो एक साथ मर्ज हो जाएंगे, चिपक जाएंगे सारे, ख़राब हो जाएगी मैक्रोनी आपकी। तो इससे अच्छा ये है कि आप उसको ठंडे पानी से वॉश करें एंड फिर ऑयल लगा के अपने हाथों से अच्छी तरीके से उसको ग्रीस कर लें, फुल ग्रीस कर लें, एंड देन उसको छोड़ दें जब तक कि आपका बाकी चीज़ें पक रही हैं। लाइक मैं इसको बॉईल करने के बाद छोड़ूंगी ठंडे पानी में, देन मैं ये अपनी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, इस वेजीज़ को, ऑल वेजीज़ को मैं ऑयल में इसको थोड़ा सा जो है ना सौते करूँगी, सॉरी सौते करके उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस, सॉसेस, एंड देन मैं इसको क्या कहते हैं मैक्रोनीज़ को उसमें ऐड कर दूँगी। चले मैं फिर मैक्रोनीज़ को ऐड करके फिर आपसे मिलती हूँ, ओके गाइस। अब मैं यहाँ थोड़ा सा घी को गर्म कर रही हूँ, आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी गर्म कर सकते हैं, मैं घी को गर्म कर रही हूँ, ओके। कोई इतना बड़ा फर्क नहीं होता, ये हो चुका है हमारा घी गर्म। नाउ हम इसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे गाजर,
carrots chop finely. वेट, मैं थोड़ा थोड़ा एक एक करके ऐड करना है इसमें, सब कुछ एकदम से नहीं करना. ओके, ये 4 कैरेट्स थी, तो फिर 3 मैंने चॉप करके इसमें डाल दी. हमने इनको अच्छी तरीके से सॉटे करना है 4 to 5 मिनट अच्छी तरीके से, क्योंकि अच्छी तरीके से गलेंगी नहीं तो फिर आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा. क्रंच रहना चाहिए, मेक श्योर इसका क्रंच रहना चाहिए. बस इतना चाहिए कि आपसे अच्छे से खाइए, इन्जॉय करिए. ओके, देन हम इसमें अब ऐड करेंगे पीस, जो कि एक बॉल है हमारे पास. ओके, अराउंड 1 बॉल. आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको वेजिज कितनी पसंद है, चिकन कितना पसंद है. अगर आप रेशियो बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के, अपने हेल्थ के हिसाब से. आप मुझे वेजीज मैक्रोनी मेरे पास या मेरे साइड में, मुझे पसंद है वेजिटेबल्स ज़्यादा. हम इसके अंदर अपनी गोभी ऐड करेंगे अपना. अच्छा, गोभी सबसे लास्ट में ऐड कीजिएगा प्लीज़, बिकॉज इसका क्रंच जो है ना स्पेगेटीज पास्ता ऐसी सारी डिशेस को बहुत इन्हेंस करता है. सो हमेशा जो हमारी बन रही होती है उसको लास्ट में ऐड कीजिए. ओके, हम इसके अंदर अब ब्लैक पेपर ऐड करेंगे. मैंने 2 बड़े चम्मच ऐड किए अपने टेस्ट के हिसाब से. हम इसके अंदर 2 चम्मच छोटे नमक के ऐड करेंगे. नमक कम ही रखा मैंने, क्योंकि इसके अंदर सोया सॉस जो होता है ना, इसके अंदर नमक ऑलरेडी होता है. ओके, नाउ हम इसमें कितनी मिर्च ऐड करेंगे अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा. क्योंकि तो अगर कम खानी होती है तो कम करें ऐड, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है. मेरे घर में ज़्यादा मिर्चें खाई जाती है, मैं मिर्च ज़्यादा ऐड करती हूँ. नाउ गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर. अब आ गई हमारे सॉस. अभी डिफरेंट कंपनीज के सॉसेज हैं मेरे पास, आप हमेशा याद रखें जब भी आप पास्ता बना रहे हो रेड सॉस थोड़ा ज़्यादा. कौन सी कंपनी लेके आए थे मेरे हस्बैंड, ये टूट गई. बेक क्वालिटी बेस्ट रहती है, वो टूटती नहीं है. ये नई कंपनी थी, हम यूज़ करके देखिए, नेक्स्ट टाइम हम ये यूज़ नहीं करेंगे. बेक क्वालिटी बेस्ट. ओके, अगर आप बनने के बाद इसमें ऐड करना चाहें बट मैं बनते हुए ऐड कर देती हूँ. ओके गाइस, तो हमारा मैक्रोनी का फाइनल लुक ये है. सही है, वेरी स्पाइसी, वेरी टेस्टी. स्पाइसी फिर भी नॉर्मल है बट टेस्ट में बेस्ट है. ठीक है, तो आप ये खा के बताएं कि कैसी बनी. मैं तो खा नहीं सकती बिकॉज़ मेरे मुंह पे मास्क है. आप लोग खा के बताएं कैसी लगी. बहुत डिलीशियस, बहुत यमी है. अभी मैं थोड़ा सा इसको लोगों को भी दूंगी और डिस्ट्रीब्यूट करूंगी अपने पड़ोसियों में, और फिर हम इन्जॉय करेंगे. दिस इज़
महक्स मैक्रोनी. ओके गाइज, तो आज के लिए इतनी वीडियो थी. कल से मैं अपना डेली व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, प्रॉपरली व्लॉग. अभी मैं इतना ही कर सकती थी इसलिए मैंने किया. कल से मैं प्रॉपरली डे की पूरी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती. और कल मैं काफ़ी सारे फेसेस भी रिवील करूँगी. तो गाइस, हो चुकी है रात और यहीं हमारा ख़त्म होता है व्लॉग. और आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा, काफ़ी काम किया आज. तो अब मैं आपसे मिलूँगी कल इंशाल्लाह ताला एक न्यू व्लॉग में, एक नई सुबह के साथ आपसे मुलाकात होगी. आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट व्लॉग था और मैं काफ़ी कंफ्यूज भी थी, मैं क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ. इस वजह से आज थोड़ा शॉर्ट व्लॉग बना है, पर इंशाल्लाह कल से मैं आपको फुल अच्छा व्लॉग बना के दूँगी. अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों से शेयर.